इस समय टीवी चैनलों पर और राजनीतिक मुद्दों पर महिला आरक्षण बिल की बहुत अधिक चर्चा हो रही है, पर क्या आप जानते हैं महिला आरक्षण बिल क्या है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं। महिला आरक्षण बिल भारतीय राजनीति के गले का सबसे बड़ा फांस बना हुआ है, और यह फांस ना इनसे निगला जा रहा है ना ही उगला जा रहा है। यह पिछले 10 से अधिक वर्षों से शायद ही कोई ऐसा सत्र हो जहां पर इस बिल की चर्चा ना हुई हो। महिला आरक्षण बिल की बात हर सत्र में उठाई जाती थी, लेकिन सीरियसली नहीं लिया जाता था, और अगर इसे पास करने की कोशिश की जाती तो कई सारी पार्टियां इसके विरोध में वोट करती थी। यह संविधान के 25वें संशोधन का विधेयक है। इसके अंतर्गत लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण प्रावधान किया गया है। इसी 33% सीटों में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित की जानी है। जिस तरह से आरक्षण विधेयक को पिछले कई सालों से बार बार पारित होने से रोका जा रहा था, या फिर राजनीतिक पार्टियों में इसका विरोध होता रहा है। आइए जानते हैं महिला आरक्षण बिल से क्या फायदा होगा। इस विधेयक में प्रावधान है कि लोकसभा और देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, यानी महिलाओं के लिए पूरी तरह से 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। अब इस बदलाव के कारण भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या अधिकतर होगी। यह मुद्दा देश की आज़ादी के समय से ही संसद भवन में उठाया जा रहा था, और कांग्रेस इसके समर्थन में हमेशा से रही है। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब भी उन्होंने इसके समर्थन में कहा था कि मैं पूरे संसद भवन में अकेली एक महिला हूँ, इसलिए मैं इसका समर्थन करती हूँ ताकि और भी महिलाएं आएं और राजनीति में बढ़ चढ़ करके भाग लें, और मैं चाहती हूँ कि यह बिल जल्द से जल्द पास किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बिल की चर्चा तो हुई, लेकिन कई सारी पार्टियों ने इसके विरोध में वोट किया, जिससे यह बिल पास नहीं हो पाया। हाल ही में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक पत्र लिखा कि आप महिला आरक्षण बिल की चर्चा संसद भवन में कीजिए, हम इसका समर्थन करेंगे, और उन्होंने इस बिल का समर्थन किया भी। इस पर सोनिया गांधी जी कहती हैं कि यह बिल हमारे जीवन साथी राजीव गांधी जी की सोच है, मैं इसका समर्थन करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस बिल के विरोध में कई सारी पार्टियां अपना अपना विरोध करती थी और इसके विपक्ष में वोट डालती थी, ऐसे नहीं कि इस बार भी पूरा समर्थन मिला है। अब की बार भी संसद भवन में इसके खिलाफ 2 वोट पड़े हैं, लेकिन 254 वोटों के साथ यह बिल पारित किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक असदुद्दीन ओवैसी और इम्तियाज जलील ने इस बिल के खिलाफ वोट किया होगा, क्योंकि AIMIM ने इस बिल का विरोध किया था। अब इस बिल को पास कर दिया गया, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बिल का लाभ महिलाओं को 2029 या फिर 2034 के बाद ही देखने को मिलेगा। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? महिला आरक्षण बिल सही है या फिर गलत? और इस पर उठे राजनीतिक मुद्दों पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।